ऊपर। हमारा संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है, जो गत 12-13 वर्षों से मजलूमों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और दलितों की आवाज़ बनकर उठता रहा। गत महीने जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था SC/ST एक्ट के संदर्भ में, तो तमाम विरोध करने वालों में हम भी अग्रिम भूमिका में थे। हमने 2 तारीख के बंद को भी सपोर्ट किया और 2 तारीख के बंद में जो उपद्रव साजिशन देश में मचा है और जो दलितों के साथ अत्याचार उस बंद की आड़ में मनुवादियों ने किया, उसका भी विरोध हमने 3 तारीख को पुनः मंडी हाउस पर पहुंचकर और फिर हमने जो है सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने का प्रयास किया। जो पुलिस ने हमें रोका, हम लगातार लगे हुए हैं और बिल्कुल हम लोगों ने ये तय कर लिया डे टू डे लिस्ट बनाकर, जब तक ये सरकार ये समझ में हमें नहीं आ जाएगा कि संविधान पर ईमानदारी से चलेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस देश में हर हाल में संविधान का राज चलना चाहिए। संविधान से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर किसी भी समाज को बर्दाश्त नहीं है, हमें भी बर्दाश्त। देखिए, अब तो 4 सालों तक हम लोगों ने प्रतीक्षा किया, हमें लग रहा था मोदी जी OBC क्लास से हैं, वो भाषण में रो रो कर कहते भी थे कि मैं पिछड़े जाति का हूँ, लेकिन अब वो राज सामने आ गया कि मोदी जी बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से काम कर रहे हैं। मोदी जी अपने आप में कुछ भी नहीं, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके पास कोई हथियार अब बचा ही नहीं है। एक ही हथियार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और जातिवाद। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से जो मनुवादियों का जमावड़ा हिंदू वर्ग में है और था, मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग मनुवादियों का है। आप देख रहे हैं अभी जबकि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे मौलवी जो है 3 बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी 4 तारीख को रामलीला मैदान में भी हुआ था 3 बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से, ये जो दीन धर्म, ये 2 चीज़ें इस देश के शोषितों और पीड़ितों और वंचितों का दुश्मन है। अगर धर्म की बात मुसलमान करेगा तो फिर उनको वो हथियार ऊर्जा मिल जाएगा। हम इन मौलवियों से तथा कथित मुस्लिम से, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। जो आज देश में दलितों पर इस कदर अत्याचार हो रहा हो, उसके बाद भी ये धर्म की गीत गा रहे हैं, 3 बचाओ देश बचाओ 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने किया था, 15 तारीख को पटना में कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उस 15 तारीख के कार्यक्रम में वामन राव मेशराम जी भी जा रहे हैं। आज मैंने सोशल मीडिया पर बहुजन मुक्ति मोर्चा के ये डाला है कि वामन राव मेशराम जी जैसे लोग जो दलित आंदोलन, बहुजन आंदोलन के ऊर्जा के स्रोत हैं, यदि वो भी मुस्लिम मनुवादियों का साथ लेते हैं तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका है जो दबा कुचला है, वो आपके साथ है, वो बहुजन है, वो मूल निवासी है, वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, उसका DNA आपसे मिलता जुलता है, वो असल मूल निवासी है। वो मनुवादी जो हिंदू में है वही मुस्लिम में है, दोनों से हमें लड़ाई लड़नी है।